मार्च महीने में सिर्फ गर्मी ही नहीं, महंगाई की तपिस भी बढ़ रही है। मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है, ऐसे में आम लोगों के लिए यह काफी मुश्किल भरा महीना होता जा रहा है। महीने की पहली तारीख से लगातार महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को झटके लग रहे हैं। मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही अमूल, पराग, उसके बाद मदर डेयरी ने दूध के रेट में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। दूध के दाम बढ़ने से आम लोगों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत में हर घर में प्रतिदिन दूध की खपत ज्यादा होती है। वहीं मंगलवार से रसोई गैस में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इससे दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.50 रुपए हो गई है। इसी तरह मुंबई में LPG गैस सिलेंडर का मूल्य बढ़कर 949.50 रुपए पर पहुंच गया है। पटना में LPG गैस का दाम बढ़कर 1,047.50 रुपए पर पहुंच गया। LPG सिलेंडर के दाम में अक्टूबर के बाद यह सबसे बड़ी तेजी आई है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी। पेट्रोल और डीजल के दाम में लंबे समय बाद यह बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जहां 96.21 रुपए पर पहुंच गई, दूसरी ओर डीजल का भाव 87.47 रुपए पर पहुंच गया। महंगाई की मार लोगों को हर ओर से पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कई शहरों में CNG के दाम में भी 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हाल में बल्क कस्टमर के लिए डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की थी। रेलवे, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बस ट्रांसपोर्टर, मॉल और डिफेंस सेक्टर के प्रतिष्ठान मुख्य रूप से बल्क कस्टमर्स में आते हैं। इससे इस बात की आशंका पैदा हो गई कि इन सेक्टर से जुड़ी सर्विसेज महंगी हो जाएगी। हर मध्यम वर्गीय घर में जगह बना चुकी नेस्ले की मैगी के छोटे पैक की कीमत भी 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए कर दी गई है। कंपनी ने मैगी के हर पैकेट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने चाय, कॉफी और दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने थोक महंगाई दर भी 13.11% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई दर RBI के कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया है। सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई दर को 2-6% के बीच सीमित रखने का लक्ष्य दिया था। आप देख रहे थे द रेनबो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।